डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। गांव गांव गली मोहल्ले में एक ही चर्चा, 30 बार बनेगा गांव का मुखिया और गांव की सरकार। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं, युवा, बच्चे, तमाम लोगों ने हाथों में चुनाव निशान और पोस्टर हाथों में ले रखे हैं और लगातार चुनावी जो वोटिंग जो है उसके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2PGM B में और हमारे साथ उम्मीदवार जो युवा है, शिक्षित है, राजबाला जी मौजूद है। सबसे पहले तो राजबाला जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। जिस प्रकार लगातार फीडबैक ले रहे हैं, किन विकास के वादों को लेकर चुनाव मैदान में आपने ताल ठोकी है? सर, मैं समाज में विकास करना चाहती हूँ, गांव का समाज सेवा करना चाहती हूँ। इसके लिए गांव के अंदर जो भी पंचायत है वहाँ पे जो भी कमी है उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ सरपंच बनने के बाद। और गांव के अंदर सबसे मतलब मुख्य समस्या है बिजली की, पानी की, सड़क की, नालियों की, ये मतलब कमियां होती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ सरपंच बनती हूँ तो जो भी आम लोग हैं सभी की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं सुनूंगी, उनको पूरा करूँगी। बिल्कुल, आप एक शिक्षित हैं, बुलंद हौसले के साथ, मजबूत इरादों के साथ कहना के साथ बालिका शिक्षा और महिला उत्थान की अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख ऐतिहासिक कार्य आपके रहेंगे? सबसे पहले तो जो अनपढ़ महिलाएं हैं, मतलब जो अनपढ़ महिलाएं हैं और उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले सबसे पहले तो उन महिलाओं के लिए कोई पढ़ने का कार्य या उनको पढ़ाने का जो भी कोई मतलब छोटा सा संस्थान खोले जिससे वो पढ़ सके, अपना नाम मतलब अपने नाम तो लिख सके, इतना तो मैं करूँगी। बिल्कुल, महिलाओं के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। हमारे साथ पूर्व जो सरपंच रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। लगातार आप उनसे प्रक्रिया जा रहे हैं, लोगों से किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा है सर, जैसे मैं जा रही हूँ ग्राम पंचायत तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि नाम जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कई कह रहे हैं कि आपके काम में टाइम में कार्यकाल में कोई काम नहीं हुए है। 2010 से लेके 2015 तक मेरी ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत है की मेरे को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला हुआ है। बिल्कुल, एक राष्ट्रपति से अवार्ड मिला हुआ है। अब कहीं ना कहीं आपने शिक्षित उम्मीदवार को इस बार आपने चुनाव मैदान में उतारा है, तो किस प्रकार की आप मन में भावना है कि आगे क्या होगा? आगे होगा कि ये ऐसे है कि मैंने ये मेरी दीदी है इसको चुना है कि ये शिक्षित है कि ये जो काम रहे है गांव का विकास करवा सकती है। बिल्कुल, गांव का जो विकास है, जो काम अधूरे रह चुके हैं उस काम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षित उम्मीदवार को उतारा है। कुछ समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार विकास की बात की जाए तो कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो अभी तक अधूरे रह चुके हैं, जो एक शिक्षित उम्मीदवार कहीं ना कहीं उतारा गया है उसको पूरा करेंगे? हाँ सर, पहले तो मैं डीपी के न्यूज का तहे दिल से वेलकम करता हूँ जो हमारे बीच में आए और जो भी हमारी भाषा है या हमारे विचार हैं उनको सभी लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रही हैं। और जो जिस तरीके से मैडम को उतारा गया इस मैदान में, तो मैडम MA BEd हैं और एक हमारी पंचायत को पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी मिल रहा है। और जैसे ही ये आएंगे हमारे यहाँ पर तो हमारे गांव का विकास सभी तरह से हो जाएगा। जैसे कोई भी ले लो आप, तो उस तरीके से सारे का सारा विकास हमारे गांव का तहे दिल से हो जाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी ग्राम जो मेरे वासी, उनको मैं एक ही करता हूँ कि आप सभी इनको वोट दें और मैडम को विजय बनाएं। ठीक है, और आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। बिल्कुल, जो विकास के कार्य रह चुके हैं उनको पूरा करेंगे। अब मैडम हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद उम्मीदवारी जता रहे हैं। राजबाला जी, 28 तारीख एक बड़ा बिगुल महासंग्राम, एक पिटारा खुलने वाला है भाग्य का, लोगों के से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जो यहाँ मौजूद है सभी गाँव वासी है उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा
चाहूंगी कि आप सब ग्राम पंचायत में पहुंचकर वोट दें और मुझे विजयी बनाएं, और मेरे मन के अंदर समाज सेवा करने की भावना है, उसे आप मेरे सपने को पूरा होने के लिए सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार मुझे मैदान में आने के लिए स्वागत करें। बिल्कुल, इनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे चौधर नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। उसी लक्ष्य के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं ताल ठोकी है, और इनका ये कहना है यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास दिलाती है और जी दर्ज करवाती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुँचाएंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाएंगे। मैं मेरे सहयोगी महावीर प्रसाद के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, अनूपगढ़।